रेनस फैमिली में मैंने आपको निम्फेसी, केराटोफिलेसी, बारबीरिडेसी ये तीन फैमिली के बारे में बता दिया था। आज मैं दो फैमिली कराऊंगी, एक तो रेनुनकुलेसी है और एक सेकंड है मैनी स्पर्मियसी। रेनुनकुलेसी की जो सिमिलैरिटीज है वो बारबीरिडेसी से मिलती जुलती है, तो करेक्टर्स इसमें सम करेक्टर्स रेनुनकुलेसी के बारबीडेसी के हैं, या फिर ये कह सकते हो कि बारबीडेसी के जो सम करेक्टर्स हैं वो रेनुनकुलेसी के जैसे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। रेनुनकुलेसी, रेनुनकुलेसी जो होती है ये फैमिली जो कि रेनल्स का रेनल्स मेंबर में आती है ये रेनुनकुलेसी। तो रेनुनकुलेसी एनुअल होती है और पेराइनल हर्ब होती है। एनुअल मतलब साल में एक बार, पेराइनल मतलब साल में रिपीटेड, ठीक है। तो एनुअल होती है, पेराइनल हर्ब होती है, इवन शर्ब भी होती है, शर्ब जैसे शाखिया होते हैं वो, या क्लम्बर फॉर्म में भी होती है। क्लम्बर मतलब जैसे ट्रिंडल टाइप का होता है, जैसे लौकी वगैरह की जो आप बेल देखते हो वैसी, ठीक है, क्लम्बर फॉर्म में भी होती है। और कुछ स्पीसीज रेनुनकुलेसी की इक्वेटिक भी होती है, दैट मीन्स पानी में रहने वाली, ठीक है, इक्वेटिक भी होती है। द पेराइनल हैव राइजोम। तो रेनुनकुलेसी की फैमिली का अगर हम हैबिटेट देखें तो रेनुनकुलेसी आर एनुअल, पेराइनल, शर्ब, क्लम्बर एंड इक्वेटिक, ठीक है, इस टाइप की है ये। तो जो इसमें से पेराइनल हर्ब्स होती है, जो पेराइनल होती है यानी कि साल में दो से चार बार आने वाली होती है, उसके पास राइजोम होते हैं, मतलब रूट नहीं होती, रूट की जगह राइजोम होते हैं, या ट्यूबरस रूट होती है, या रूट में ट्यूबर बना हुआ होता है। ट्यूबर किस चीज में बना हुआ होता है, जैसे कि सोलेनेसी के मेंबर में, यानी कि पटेटो की रूट में भी ट्यूबरस रूट प्रेजेंट होती है, ऐसी रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक्रिट जूस प्रेजेंट होता है, एक्रिट जूस होता है तीखा, ठीक है, तीखा जूस प्रेजेंट होता है। और बिकॉज ऑफ ये एक्रिट जूस जो होता है ये एक तरीके से पॉइजनस होता है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से एक्रिट जूस ये बॉडी पर छाले भी डाल देता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसमें पॉइजनस एल्कलॉइड भी प्रेजेंट होता है इस फैमिली में। तो हैबिटेट में क्या है, रेनुनकुलेसी आर एनुअल, पेराइनल हर्ब, शर्ब, क्लम्बर एंड आर इक्वेटिक, ठीक है। जो रेनुनकुलेसी होती है वो एनुअल साल यानी कि वार्षिक और साल में दो तीन बार आने वाली, शर्ब यानी कि शाकीय फॉर्म में, क्लम्बर यानी कि ट्रिंडल की फॉर्म में एंड वॉटर में रहने वाली यानी कि इक्वेटिक। और जो पेराइनल होती है वो उसमें राइजोम्स होते हैं, राइजोम्स बोल सकते हो या फिर आप उसे ट्यूबरस रूट बोल सकते हो। एक्रिट जूस यानी कि तीखा जूस, जो एक्रिट जूस होता है जो कि सम पॉइजनस होता है, इसमें एक्रिट जूस कुछ फैमिलीज के मेंबर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आ गई बात हैबिटेट की। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेनुनकुलेसी की लीव्स की। जो लीव्स होती है रेडिकल या काउलाइन, रेडिकल लीव्स जैसे कि एक बीच में नॉर्मल लीफ है, नॉर्मल लीफ में बीच में एक वेन्स होती है, उसके दोनों साइड लीव्स निकली हुई रहती है, ठीक है, पतली पतली लीफ, जैसे कि आपने बबूल की लीफ देखी होंगी रेडिकल इस टाइप से। तो रेडिकल लीफ या काउलाइन लीफ होती है यूजुअली अल्टरनेट लीफ होती है, मतलब एक लीफ एक साइड लगेगी और दूसरी लीफ दूसरे साइड लगती है, ठीक है, अल्टरनेट लीफ होती है, सिंपल लीफ होती है एंड पिन्नेटली मतलब एक मतलब पिन्नेटली लीफ की स्ट्रक्चर है, लीफ की स्ट्रक्चर में दोनों साइड लीफें निकली हुई हैं। और अगर ये मेरी फाइव फिंगर्स आपको दिखाई दे रही हैं तो ये फाइव फिंगर्स की जो यहाँ से शेप होगी ये पिन्नेटली होगी, ठीक है, इस टाइप से लीफ की स्ट्रक्चर होती है। और पालमेटली यानी कि पालमेटली कंपाउंड यानी कि जो जैसे आपका हैंड है, ये मेरा हैंड एक पाम है एक इस तरीके से, और यहाँ ये लीफ निकली हुई है, इस टाइप से पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती हैं, ठीक है। ये डिकम्पाउंड होती हैं, कंपाउंड नहीं होती समटाइम, एंटायरली वेरियसली या तो पूरी पिन्नेटली होती हैं या फिर कहीं कहीं पर उसमें एक तरीके से अलग अलग वेरिएशन होता है लीफ्स में, ठीक है। पेटोल यूजुअली सीथित एट द बेस एक्स स्टिपुलेट। जो लीफ होती है लीफ के अंदर जो पेट्रोल होता है, लीफ के अंदर का पेट्रोल
एक तरीके से ब्रॉड स्ट्रक्चर होती है। ब्रॉड मतलब चौड़ी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि सीथेड, यानी कि जो लीफ है, लीफ के जो बेस में एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होगी उसे पेट्योल सीथेड बोलेंगे। एक्स स्टिपुलेट, लीफ में स्टिपुलेट प्रेजेंट नहीं होता। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टिपुलेट एक्स स्टिपुलेट का बताया था। एक जो अपेंडिसेस स्ट्रक्चर है वो क्या मुझे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड यूज करके बताना है स्ट्रक्चर होती है। फ्लावरिंग स्ट्रक्चर, रेनुनकुलेसी के जो फ्लावर होते हैं वो साइमोस या रेसिमोस टाइप के होते हैं। साइमोस और रेसिमोस तो मैंने आपको बताया था कल, इनफ्लोरेसेंस साइमोस या रेसिमोस टाइप का होगा। साइमोस और रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या है साइमोस और रेसिमोस का? अगर साइमोस फ्लावर की स्ट्रक्चर है तो साइमोस में बीच में भी एक फ्लावर होगा और उसके दोनों साइड से फ्लावरिंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर रेसिमोस है तो बीच में कोई फ्लावर नहीं होगा लेकिन दोनों साइड से फ्लावरिंग होगी, ठीक है। तो साइमोस या रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस होता है सोलेट्री एक्सिलरी टर्मिनल, या तो एक्सिलरी पे लगा हुआ होगा या टर्मिनल पे, यानी कि नीचे की साइड लगा हुआ होगा, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर इस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट वेरी रेयर यूनिसेक्सुअल, ऐसा बहुत कम होता है कि वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। जो फ्लावर होता है रेगुलर होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि वो यूनिसेक्सुअल होता है, यूजुअली रेगुलर होता है। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब ओबरी सुपीरियर, ठीक है। यूजुअली विद अ प्रोमिनेंट कॉन्वेक्स रिसेप्टिकल एंड स्पाइरल, स्पाइरल फॉर्म में होगी ओवरी जो होगी। स्पायरोसाइक्लिक और साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ पार्ट, जो फ्लावर के अंदर अरेंजमेंट होगा पेटल्स और सेपल्स का वो चक्राधार फॉर्म में होगा, दैट मीन्स साइक्लिक फॉर्म में होगा, ठीक है। पेरियंथ, पेरियंथ एक या दो और चक्राकार होते हैं, पेरियंथ एक होगा या दो होगा वो भी चक्राकार फॉर्म में। पेरियंथ मीन्स, पेरियंथ क्या होते हैं, कैलेक्स और कोरोला डिफ्यूज होकर पेरियंथ बनाते हैं। अगर किसी में कैलेक्स प्रेजेंट नहीं है सेपरेटली, कोरोला प्रेजेंट नहीं है सेपरेटली, दैट मींस वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, पेरियंथ प्रेजेंट होगा। तो पेरियंथ एक या दो की फॉर्म में होते हैं, वो भी चक्राकार फॉर्म में होते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, ये डिफ्रेंशिएटेड इनटू कैलेक्स और कोरोला। पेरियंथ या तो सेपरेटली कैलेक्स और कोरोला बना रहे होंगे या फिर एक सिंगल फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है रेनुनकुलेसी में फ्लावर के करेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फ्लावर में अब आता है सेपल्स। सेपल्स क्या बनाते हैं, सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स क्या बनाते हैं, मेंबर्स में जो सेपल्स होते हैं नॉर्मली, ये ऑल ओवर मेंबर्स का देखा गया है रेनुनकुलेसी का, 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। मैम पेटल्स की कोरोला, ओके, 5 सेपल्स होते हैं जो कि फ्री फॉर्म में होते हैं। कैड्यूकस, कैड्यूकस मींस इजीली डंपिंग ऑफ हो जाना, ठीक है। कैड्यूकस फॉर्म में होते हैं, पेट्योल्ड, पेट्योल डंठल जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ऑफन अ फ्यू प्रोड्यूस्ड इनटू स्पर, स्पर मैंने कल आपको एक स्ट्रक्चर में दिखाया था, जो नली जैसी स्ट्रक्चर थी कैलेक्स और कोरोला की, उन्हें स्पर बोला गया था, ठीक है। नली जैसी लंबी स्ट्रक्चर जो थी वो स्पर थी। रेयर सेपल्स एबसेंट, ऐसा बहुत कम होता है कि सेपल एबसेंट होते हैं, ठीक है। सेपल से क्या बनते हैं, कैलेक्स। पेटल्स की बात करते हैं, पेटल्स इसमें 5 हो सकते हैं या 5 से ज्यादा हो सकते हैं, पेटल्स 5 और मोर। ये भी स्पर्ड फॉर्म में ही होंगे, दैट मींस एक ट्यूब जैसी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। स्टैमेन, स्टैमेन क्या बनाते हैं, एंथर। स्टैमेन यूजुअली बहुत सारे होते हैं, स्टैमेन यूजुअली न्यूमरस होते हैं और फ्री फॉर्म में होते हैं, ठीक है। स्टैमेन न्यूमरस फ्री फॉर्म में और स्पाइरली, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। इसमें एंथर एक्सट्रोज होते हैं, एंथर एक्सट्रोज मैंने कल आपको बताया था स्ट्रक्चर में,
एंथ्रोज के अंदर एंथर के जो स्टेमन के अंदर एंथर प्रेजेंट होंगे, तो अगर वो बाहर की साइड है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब से बाहर के से बाहर की साइड प्रेजेंट है, एक्स्ट्रोज अंदर की साइड प्रेजेंट है इंट्रोज, ठीक है, तो एंथर एक्स्ट्रोज पोजिशन में होते हैं. नेक्टरीज यूजुअली प्रेजेंट, जो नेक्टर्स होते हैं अगर वो शुगर रिच होते हैं तो नेक्टरीज बनाते हैं, और नेक्टरीज इसमें प्रेजेंट होती है कि इसमें रेनिनकुलेसी में के मेंबर्स में, ठीक है. फॉर्म्ड बाय मॉडिफाइड आउटर वर्ल्ड ऑफ स्टेमन और बाय द मॉडिफाइड पेटल्स. जो नेक्टर्स बनते हैं, जो नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं, वो या तो आउटर चक्राधार स्टेमन से बनती हैं या मॉडिफाइड पेटल से बनती हैं, ठीक है, दोनों से बन सकते हैं. किस किस से? आउटर वर्ल्ड स्टेमन से या साइक्लिक स्टेमन से या फिर मॉडिफाइड पेटल से, ठीक है. तो सेपल्स के बारे में पता चल गया. पेटल्स, सेपल्स होते हैं 5 जो कि फ्री फॉर्म में होते हैं, पेटल्स होते हैं 5 या 5 से ज्यादा होते हैं जो कि स्पर्ड फॉर्म में होते हैं. सेपल्स भी स्पर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. और स्टेमन कैसे होते हैं? स्टेमन बहुत सारे होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं. एंथर एक्स्ट्रोज होते हैं, नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्टर्स किस चीज से बने हुए होते हैं? नेक्टर्स या तो साइक्लिक स्टेमन से बने हुए होंगे या फिर मॉडिफाइड पेटल से बने हुए होते हैं, ठीक है. कार्पेल्स की बात करते हैं. कार्पेल्स जो कि क्या बनाते हैं? फीमेल पार्ट. कार्पेल्स बहुत सारे होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, ईच विद वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, या फिर इरेक्ट यानी कि सीधे, या पेंडुलस. पेंडुलस जैसे कि पेंडुलम होता है ऐसे झूलता हुआ, या फिर पेंडुलस ओबरी होती है इन वेंट्रल ऑन वेंट्रल स्ट्रक्चर, वेंट्रल सरफेस की स्ट्रक्चर पर, ठीक है. स्टाइल लॉन्ग या शॉर्ट होती है. जो स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल होती है वो या तो लॉन्ग हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है, विद सिंपल स्टिग्मा. स्टिग्मा की स्ट्रक्चर सिंपल होती है. फ्रूट एंड एटीरियो और फॉलिकल्स. एटीरियो फ्रूट कैसा होता है? जो एटीरियो फ्रूट होता है, जैसे ओवरी होती है, ओवरी 3 से 4 ओवरी मर्ज होकर एक फ्रूट बनाती है, ठीक है. जब 3 से 4 ओवरी मर्ज होकर, मर्ज मीन्स इकट्ठी होकर जब एक फ्रूट बनाती है, तो उसे एटीरियो फ्रूट बोलते हैं. तो फ्रूट एंड एटीरियो ऑफ फॉलिकल. एटीरियो की फॉर्म में फ्रूट हो सकता है, या फ्रूट कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकता है, या फ्रूट बेरी की फॉर्म में भी हो सकता है, सिंपल फ्रूट भी हो सकता है मींस, ठीक है. सीड विद स्मॉल एम्ब्रियो एंड कॉपियस ऑयली एंडोस्पर्म. सीड स्मॉल एम्ब्रियो के साथ होता है. कॉपियस मींस ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें 2 कॉटिलेडंस होते हैं, ठीक है. 2 कॉटिलेडंस ऑयली एंडोस्पर्मिक होता है. ये रेनिनकुलेसी में रेनिनकुलस स्कैलेरेटस प्लांट की स्ट्रक्चर है. ये इसका ए पार्ट में लीव्स और फ्लावर के साथ ये प्लांट है, और बी पार्ट में फ्लावर है इसका, जो ये फ्लावर दिया हुआ है. सी पार्ट में वर्टिकल सेक्शन दिया हुआ है इसका, और डी पार्ट में एलएस, सीड का एलएस दिया हुआ है, और नीचे फ्लोरल डायग्राम आपको शो किया हुआ है. सो रेनिनकुलेसी का हमने सेपल्स, पेटल्स, फ्लावर, लीव्स, हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया. अब इसका वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखते हैं, जो ज्यादातर हर्बेशियस स्पीसीज होती हैं. बिकॉज ऑफ रेनिनकुलेसी में मैंने बताया इक्वेटिक भी होते हैं, और इक्वेटिक के साथ साथ कुछ शर्ब भी होते हैं और कुछ हर्बेशियस भी होते हैं. तो जो ज्यादातर हर्बेशियस स्पीसीज होती है रेनिनकुलेसी फैमिली की, उनके अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, और ये वैस्कुलर बंडल वी शेप्ड के जाइलम में के साथ क्लोज्ड रहता है, ठीक है. ये वी शेप्ड जाइलम के साथ क्लोज्ड रहता है. वैस्कुलर बंडल या तो स्कैटर्ड रहेगा, जगह जगह पर फैला हुआ रहेगा, या एक से ज्यादा रिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है. वैस्कुलर बंडल या तो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है या एक से ज्यादा रिंग में प्रेजेंट रहता है. रेनिनकुलेसी फैमिली के अंदर अभी तक जो देखा गया है, अप्रोक्सीमेटली, अबाउट का मतलब कम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1500 स्पीसीज,
200 अकॉर्डिंग टू क्रोनक्विस्ट नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि 200 स्पीसीज इसकी डिस्कवर हो चुकी हैं और 35 जेनेरा इसके डिस्कवर हो चुके हैं. ठीक है, दीज आर मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट पार्ट. टेम्परेट कौन सा? शीतोष्ण जिसे बोलते हैं, ना ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है, वो टेम्परेट पार्ट कहलाता है. ना ज्यादा ठंडा होता है और ना ज्यादा गर्म होता है. ठीक है, तो जो रेनन कुलेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनका इसके जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे पार्ट में होते हैं? टेम्परेट पार्ट में होते हैं. टेम्परेट पार्ट कौन सा पार्ट? जो ना ज्यादा ठंडा हो और ना ज्यादा गर्म हो. लेकिन जो वर्ल्ड में जो इंडिया में इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं, इंडिया में पर्टिकुलर हिमालयाज में पाई जाती हैं इसकी स्पीसीज. किसकी? रेनन कुलेसी की. हिमालयस के साथ साथ कुछ ऐसी इक्वेटिक प्लेसेस पर भी होती हैं इसकी स्पीसीज. एग्जांपल के लिए एकोनिटम, डेल्फिनियम, थैलेट्रिकम, एनिमोन, कैल्था. ठीक है, ये हिमालयस में पाई जाने वाली स्पीसीज है. कौन कौन सी हैं? एकोनिटम, डेल्फिनियम, थैलेट्रिकम, एनिमोन एंड कैल्था एटसेट्रा. ठीक है, कुछ स्पीसीज जो रेनन कुलेसी की होती है, कुछ स्पीसीज क्लाइमेटिक्स भी स्पीसीज इसकी होती है जो क्लाइमेटिक चेंजेस के अकॉर्डिंग मिलती हैं, जैसे कि नारावीलिया ज़ाइलेनिका, रेनन कुलस स्केलेरिटस एटसेट्रा. ठीक है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो एज अ बिल्कुल प्लेन सरफेस पर पाई जाती हैं. जो प्लेन सरफेस पर होती हैं वो स्पीसीज है, जैसे नाइजेला सेटाइवा. ठीक है, कुछ स्पीसीज सीड्स के लिए भी कल्टीवेट होती हैं. इसकी जो सम स्पीसीज होती हैं वो एक्रिड जूस बनाने के काम आती हैं. एक्रिड जूस मतलब जिसमें से निकलता है एक्रिड जूस, जो तीखा जूस होता है. ठीक है, कुछ स्पीसीज से एक्रिड जूस निकलता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. इतना स्ट्रांग होता है कि वो ह्यूमन बींग की स्किन के ऊपर एक छाला भी डाल सकता है. ठीक है, छाल मतलब ब्लिस्टर फॉर्म में भी हो सकता है. दैट मीन्स स्किन पे के ऊपर एक छाला भी डाल सकता है. कुछ जो इसका एक्रिड जूस होता है वो पॉइजनस भी होता है, जिसके अंदर सम एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं. बिकॉज ऑफ इसका जूस बहुत ज्यादा गर्म होता है और काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए उसका कुछ यूजेस जो है एक्रिड जूस का मेडिसिनल पर्पज से यूजेस है. मेडिसिनल पर्पज में कुछ फैमिलीज भी हैं जो आती हैं, मतलब जो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि एकोनिटम नेफेलस, एनोमीन प्लेस्टेलिया, डेल्फिनियम सिलेफेसिगेरिया एंड केमिसिफ्यूगा रेसिमोसा. ठीक है, देयर आर सम प्लांट्स जो एज अ मेडिसिनल यूज होते हैं. रेनन कुलेसी की जो बहुत सी स्पीसीज जैसे कि डेल्फिनियम, कैलीमेटिस, एनिमोन, इक्विलेजेरिया, पोइनिका, ये स्पीसीज फ्लावरिंग के काम आती हैं. ठीक है, गार्डन में इनका कल्टीवेटेड किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है और एनुअली क्रॉप होती है, यानी कि साल में एक बार लगने वाली क्रॉप होती है. तो रेनन कुलेसी की जो कुछ स्पीसीज होती हैं एज अ फ्लावरिंग प्लांट भी यूज किया जाता है, उन्हें कल्टीवेशन किया जाता है उनका और एनुअली कल्टीवेशन किया जाता है. अब रेनन कुलेसी की पोजीशन देख लेते हैं, जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पर है. रेनन कुलेसी इज वन ऑफ द प्रिमिटिव फैमिली. ठीक है, प्रिमिटिव फैमिली में इसे माना गया है किसके अकॉर्डिंग? हचिंसन नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इनका क्लासिफिकेशन एमएससी लेवल पर आता है. हचिंसन ने रेनन कुलेसी को प्रिमिटिव फैमिली इसमें रखा है. ठीक है, एंड मोस्ट अदर बॉटनिस्ट, और भी दूसरे बॉटनिस्ट हैं जैसे कि तख्तजान, क्रिनक्विस्ट, इन्होंने भी प्रिमिटिव फैमिलीज में रेनन कुलेसी को रखा है. लेकिन एंगलर, रेंडले एंड कुछ और अदर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि रेनन कुलेसी में एडवांस कैरेक्टर होते हैं, एडवांस फैमिलीज में भी उसे कंसीडर किया गया है. ठीक है, ओके, यस, हरी रिकॉर्डिंग. ठीक है, तो मैनीस परमेसी जो फैमिली होती है, बुडी होती है, ट्विनर होती है, इरेक्ट शर्ब्स, लीव्स ऑल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती है,
समटाइम ऐसा होता है कि थ्री फोलिएट होती है, स्टिपुल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए एक्सस्टिपुलेट होती है। बहुत कम मतलब रेयर ऐसा होता है कि पाल्मेटली लॉब्ड की फॉर्म में होती हैं, जैसे कि हैंड्स होता है इस वाली फॉर्म में होती हैं, और पाम में भी वेन्स उसमें निकली हुई रहती हैं। इनफ्लोरेसेंस में रेसीम, साइम या पेनिकल। रेसीम और साइम के बारे में तो मैंने आपको लास्ट वाली फैमिली में बता ही दिया था, लेकिन अगर पेनिकल की बात करते हैं तो कंपाउंड रेसीमोस या कंपाउंड रेसीम को पेनिकल बोलते हैं। दैट मीन्स रेसीम में एक अगर ये बीच में एक पेट्योल है, इसके एक इधर फ्लावर निकल रहा है, एक इधर निकला हुआ है, तो यहाँ से अगर दो फ्लावर एक साइड से और दो फ्लावर एक साइड से, दो से तीन फ्लावरिंग निकली हुई रहेगी बट सेंटर में फ्लावर नहीं होगा, तो उसे पेनिकल इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। ठीक है, तो पेनिकल इनफ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर माइन्यूट होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, डाइसियस। डाइसियस मीन्स मतलब एक एक ही जगह पर मेल और फीमेल पार्ट एक साथ होगा, या एक ही जगह पर मेल मेल पार्ट एक साथ होगा, तो दो मतलब या तो मेल मेल या मेल फीमेल दोनों एक ही जगह पर होंगे तो वो होगा डाइशियस। मोनोशियस होता है एक ही जगह पर एक मेल पार्ट का होना और दूसरे नोड पे फीमेल पार्ट का होना, ठीक है, वो होता है मोनोशियस। तो फ्लावर जो होते हैं इसके माइनोट यानी कि छोटी सी फॉर्म में होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि डाइशियस भी होते हैं। ठीक है, डाइशियस एक मेल और एक फीमेल हो सकता है। ठीक है, जनरली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, सिमेट्रिकली होता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है और साइक्लिक फॉर्म में होता है। फीमेल फ्लावर में 3 से 6 फ्री कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्पल्स बनाते हैं इसका फीमेल पार्ट। ठीक है, 3 से 6 फ्री कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स ज्यादा भी हो सकते हैं 3 या 6 से, जो मतलब कार्पल का जो अरेंजमेंट होता है 2 और 1 के अरेंजमेंट में चलता है, पहले 2 1 या फिर 2 और 2 के अरेंजमेंट में ये कार्पल्स का अरेंजमेंट होता है। ओवरी सुपीरियर होती है, 2 ओव्यूल इन ईच कार्पिलरी चैम्बर, एक एक कार्पिलरी चैम्बर्स में 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टाइल वेरी शॉर्ट, स्टाइल या तो छोटी होगी या फिर पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। मैनी स्पर्मेसी के जो मेल फ्लावर्स होते हैं उसमें 6 स्टैमेन होते हैं, कार्पल्स कितने थे 3 से 6, और मेल फ्लावर में जो स्टैमेन होते हैं 6 स्टैमेन होते हैं, 3 अपोजिट टू पेटल्स और या फिर बहुत सारे मतलब 3-3 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे जो पेटल्स के अपोजिट प्रेजेंट रहेंगे, और एंथर या तो 2 सेल्स में होगी या फ्लैसी 4 सेल्स में प्रेजेंट होगी, या तो 2-2 की सेल्स बनाएगी जो 6 स्टैमेन होंगे या 4-4 की सेल्स बनाएगी। फ्लावर हाउएवर वेरियस मच इन फैमिली इन डिफरेंट जेनरा। फ्लावर्स जो मैरी स्पर्मेसी के फैमिली है उसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एज अ रूल टू फ्लावर आर एक्टिनोमॉर्फिक बट कैसिमोफेलस हैज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एक कैसिमोफेलस प्लांट है जो मैरी स्पर्मेसी का प्लांट है, इसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एक जर्नल बोला इन्होंने कि इसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक दोनों टाइप की फ्लावरिंग इसमें होती है।